दोस्तों शुरू में बात करते हैं कि पेटीएम में एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट कैसे जोड़े, कैसे उससे पैसे भेजे, क्योंकि दोस्तों आपने भी एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट खुलवाया होगा। तो दोस्तों आप भी पेटीएम अगर चलाना चाहते हो तो दोस्तों सबसे पहले आपको उसमें अपना अकाउंट जोड़ना पड़ता है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं कि किस तरह से आपको अपना एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट ऐड करना है पेटीएम में और कैसे उससे पैसे भेजना है, क्या क्या करना है, पूरी जानकारी दोस्तों आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से पेटीएम ऐप्स को डाउनलोड कर लेना, और दोस्तों हमने इसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। अगर आप वहाँ से डाउनलोड करते हो तो दोस्तों आपको 50 रुपये का कैश मिलेगा। तो दोस्तों डाउनलोड करने के बाद आपको इसको ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपका वो मोबाइल नंबर मांगेगा जो आपने अकाउंट में लगवाया है, जब अकाउंट खुलवाया था तब बताया था। तो दोस्तों वो डालने के बाद यहाँ पर आपको नीचे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अनुमति मांगता है, तो दोस्तों आपको अनुमति फिर से दे देनी है, और दे देने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको फिर से परमिशन मांगता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सारी परमिशन अलाउ कर देनी है जो भी ये मांगता है, और दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा वेट करना है। वेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा जो ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाता है, और दोस्तों ये हो जाने के बाद यहाँ से आपका पेटीएम ओपन हो जाता है। दोस्तों अब ओपन होने के बाद अब आपको अकाउंट कैसे जोड़ना है वो बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है कि बैंक अकाउंट लिंक करें, तो दोस्तों आपको इस पर क्लिक कर देनी है। जैसे दोस्तों इस पर क्लिक करोगे तो दोस्तों आपके पास यहाँ पर बहुत सारे बैंकों के नाम आ जाते हैं, आप देख सकते हो। तो दोस्तों आपका तो अकाउंट एयरटेल पेमेंट बैंक में, तो दोस्तों थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना और यहाँ पर लिखा हुआ है एयरटेल पेमेंट बैंक, तो दोस्तों आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो मोबाइल नंबर सत्यापन कर रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको आगे बढ़े पर क्लिक कर देनी है। यहाँ पर भी दोस्तों ये आपके मोबाइल पर एक ऑटोमेटिक मैसेज भेजता है जो कि दोस्तों यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर ही आ जाता है और वेरीफाई हो जाता है। और दोस्तों वेरीफाई हो जाने के बाद अब आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ऑटोमेटिक आपका अकाउंट जो होता है वो ऐड हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका अकाउंट ऑटोमेटिक ऐड हो जाता है, आप देख सकते हो। यहाँ पर जैसे प्रोफाइल पर आपको क्लिक करोगे तो दोस्तों नीचे लिखो आ जाता है एयरटेल पेमेंट बैंक, और दोस्तों यहाँ से आप अपना एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट इस तरह से पेटीएम से जोड़ सकते हैं। अब दोस्तों आपको तो पैसा भेजना तो पता ही होगा दोस्तों, जैसे कि आप अगर किसी को मोबाइल नंबर से पैसा भेजना चाहते हो वो भी मैं आपको बता दूँ, अगर रिचार्ज करना चाहते हो वो भी। अगर दोस्तों आप इससे पैसा भेजना चाहते हो किसी भी मोबाइल नंबर पर, तो दोस्तों यहाँ पर लिखो है मोबाइल नंबर पर भेजे, आपको इस पर क्लिक कर देना है। और दोस्तों यहाँ से किसी भी जिस भी नंबर से आप भेजना चाहते हो, या तो यहाँ पर दोस्तों वो नंबर आपको लगा देना है जो भी वो नंबर है, या दोस्तों पहले आपके आपके मोबाइल में वो फीड होगा नंबर तो यहाँ पर आ जाता है, इस पर आपको क्लिक कर देनी है। और नीचे ऑप्शन आ रहा है आप सब देख सकते हो कि भुगतान करें, आपको इस पर क्लिक कर देना है। और दोस्तों यहाँ पर आप जितना भी उसको पैसा भेजना चाहते हो, जैसे हम 1 रुपया भेजना चाहते हो तो दोस्तों 1 रुपया डाल दिया, अगर ज़्यादा भेजना चाहते हो तो दोस्तों ज़्यादा, और यहाँ पर पे स्टेट पर क्लिक कर देनी है। और दोस्तों यहाँ पर आपको अपना MPIN भर देना है, जो भी आपने MPIN बनवाया था वो भरने के बाद दोस्तों नीचे सही का निशान आ रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना, और इस तरह से आप किसी को पैसा भेज सकते हो। और दोस्तों इसके बाद बात करते हैं QR कोड पर कैसे पैसा भेजे, तो दोस्तों QR कोड पर यहाँ पर आप स्कैन कर इसी तरह से पैसा भेज सकते हैं। दोस्तों मोबाइल रिचार्ज भी अगर इससे करना चाहते हो तो दोस्तों नीचे ऑप्शन आ जाता है मोबाइल रिचार्ज करें, यहाँ से आप किसी का भी मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो पेटीएम से। तो दोस्तों इस तरीके से आप पेटीएम से रिचार्ज भी कर सकते हो, और दोस्तों अपना बैंक अकाउंट ऐड कैसे कर सकते हो वो भी हमने बता दिया इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो दोस्तों हमें कमेंट में बताना अकाउंट जोड़ने में, दोस्तों हम आपकी प्रॉब्लम का सलूशन जरूर करेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।